थ्री में हम देख चुके हैं सीईओ चूचू को तो बचा लेता है पर खुद बेहोश हो गया था और वो आंखें नहीं खोल रहा था तो जाओ रो रही थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट फोर से पहले पार्ट थ्री भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट फोर में हम देखते हैं जाओ सीओ को खुद उठा कर ले जाने लगती है। इधर रियल वर्ल्ड में भी मिस्टर ही की सांसें रुकने लगी थी पर सही टाइम पे डॉक्टर उसे देख लेते हैं तो वो बच जाता है। जाओ सीओ के लिए रो रही थी पर चूचू के आते ही उसे कहती है सीओ सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगे, प्रॉमिस करो तुम बॉस को मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, सीओ का ध्यान रखना, और चली जाती है। सीओ उठ के देखता है वहाँ चूचू है तो कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। चूचू पूछती है तुम अंधेरे से क्यों डरते हो। वो बताता है जब मैं छोटा था तो डैड मुझे छोटी सी गलती पर ही अंधेरे में बंद कर देते थे। मैं पूरा पूरा दिन बिना खाए पिए उसी में बंद रहता था और फिर डैड मुझे अब्यूज़ करते थे। जब जाओ को ये पता लगता है तो वो रोती हुई जाने लगती है और कहती है उन्होंने ऑरेंज से उसका बचपन क्यों छीन लिया, वो एक नॉवल का करेक्टर है पर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, ये सब उस राइटर की मिस्टेक है, क्या वो करेक्टर के साथ अच्छा नहीं कर सकती। पर जाओ को रोता देख किंगफिंग को फ्लेम्स जैसा कुछ फील हो रहा था। फिर जाओ कहती है शायद चूचू ही ऑरेन के लिए है, क्या मुझे आगे कोशिश करनी चाहिए। किंगफिंग कहता है हाँ कि हमें अंत तक कोशिश करते रहना चाहिए। इधर रियल वर्ल्ड में चीफ लिन को डांट रहा था कि नॉवल की स्टोरी कैसे चेंज हो गई, ऑरेन और चूचू के बीच ये जाओ कहाँ से आ गई। पर लिन तो खुद हैरान थी क्योंकि जाओ नाम का कोई करेक्टर तो स्टोरी में था ही नहीं और फिर वो नॉवल में जाओ का नाम डिलीट कर देती है। पर हम देखते हैं जाओ फिर से लिखा गया। इधर जब सीओ देखता है चूचू से चला भी नहीं जा रहा तो कहता है तुम खुद तो चल नहीं पा रही हो तो तुम मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर गयी। चूचू ने जाओ से प्रॉमिस किया था इसलिए वो झूठ बोल देती है मैंने एम्बुलेंस बुला ली थी। सीओ के आते ही जाओ क्लीनिंग करने लगती है तो वो कहता है पहले प्लग तो लगा लो। फिर सीओ से पूछता है ये तुम्हारा हेयर क्लिप है, वो कहती है यस बॉस। वो कहता है तो तुम होटल में गयी थी, वो कहती है यस बॉस मेरा मतलब नहीं। वो कहता है तुम वहाँ चूचू को हर्ट करने गई थी। जाओ कहती है तुम्हें लगता है मैं वहाँ चूचू को हर्ट करने गई थी, तुमने मुझे समझ के रखा है। वो कहता है तो तुम होटल क्यों गई थी। जाओ कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा और चूचू का रिलेशन खराब करना चाहती हूँ। वो पूछता है क्यों। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो हैरान था तो जाओ सोचती है ये मैंने गुस्से में क्या बोल दिया। वो उसके करीब वो पूछता है तुम मुझे लाइक क्यों करती हो। उसे कुछ सोच नहीं रहा था तो वो एकदम कहती है पैसे। पर फिर वो किंगफिंग से कहती है मुझे उसे ऐसे कन्फेस नहीं करना चाहिए, कन्फेशन कुछ अलग टाइप का होना चाहिए जैसे रोमांटिक कन्फेशन या दर्दनाक कन्फेशन या कन्फेशन ओवरबियरिंग होना चाहिए। तो किंगफिंग उसे सपनों से बाहर करता है। इधर सीओ देखता है कि जाओ घर से गायब है तो कहता है ये कन्फेशन करके कहाँ भाग गई, मुझे लाइक करती है तब भी मुझे भूखा मार रही है, मुझे लगता है ये लड़की साइको है। घंटे की आवाज सुन उसे लगता है जाओ आई है पर वो तो चूचू निकली, चूचू उसके लिए खाना बनाती है पर उसे तो बस जाओ के हाथ के खाने की याद आ रही थी। इधर जाओ कह रही थी मुझे उस खड़ूस को खाना बनाकर देना होगा, उसे भूख लग रही होगी। किंगफिंग कहता है तुम उसे खड़ूस भी बोल रही हो पर उसके खाने की भी चिंता है, तुम बहुत स्पेशल हो। वो कहती है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, और करो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इधर चूचू जो भी काम करती सीओ को तो बस जाओ की ही याद आ रही थी। तभी घर पे जाओ आ जाती है, चूचू को देख जाओ तो बिल्कुल हैरान थी और फिर ऐसे नाटक करती है कि वो और सीओ पड़ोसी हैं, पर सीओ उसे सच बता देता है कि जाओ उसके घर की हाउसकीपर है। चूचू सीओ को अपना बनाया लैंप दे देती है ताकि जब उसे डर लगे तो वो अंधेरे में इसे जला सके। उन दोनों को इतना करीब देख जाओ खुद को रोक नहीं पाती और उन्हें डिस्टर्ब करने आ ही जाती है और फिर चूचू के गिरने की आवाज सुन जाओ सीओ को हटा खुद चूचू को बचाने लगी थी पर एक्सीडेंटली उनका किस हो जाता है। जाओ और चूचू के साथ साथ सीओ भी हैरान था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कॉमिक्स और मांगा के फैन हैं तो मैं आपको एक अमेजिंग वेबसाइट बिलीबिली कॉमिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी, मिस्ट्री, सस्पेंस, डार्क फैंटेसी और एडवेंचर जैसे जनरा के कॉमिक्स मिल जाएंगे, वो भी ब्यूटीफुल हाई क्वालिटी आर्ट के साथ, और आप इसे ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वीडियो के खत्म होते ही आप इसे जाकर देख सकते हैं। जब सीओ चूचू को घर छोड़ने जाता है तो वो उसे किस करने ही वाला था
पर उसके लिप्स को देख उसे जाओ की याद आती है, तो वो रुक जाता है और फिर चला जाता है। पर चूचू सैड थी और इधर जाओ के लिप्स की चोट हर्ट हो रही थी। सीओ सोच रहा था, पागल लड़की, उसने हमारा रिलेशन खराब करने के चक्कर में खुद को चोट मार ली। और फर्स्ट एड उठाता है पर उसका ईगो उसे वापस रखवा देता है। रियल वर्ल्ड में जाओ की चोट देख लीन उसके दवा लगाती है। इधर ऑफिस में सीओ सोच रहा था कि जाओ उसे सच में लाई करती है या नहीं, तो किंगफिंग सीओ को बता देता है, जाओ ही तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल लेकर गई थी, पर उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हें सच में लाई करती है, पर तुम शुरू से ही जाओ को गलत समझते आए हो। इधर चूचू जाओ से पूछती है, क्या तुम सीओ को लाइक करती हो? जाओ कहती है, हाँ मैं करती हूँ, भला कंपनी में कौन सीओ को लाइक नहीं करता, मैं बस बाकियों की तरह उसकी फैन गर्ल हूँ। चूचू कहती है, मैं सीओ को लाइक करती हूँ, तुम मुझे ब्लेसिंग दोगी ना? पर जाओ कुछ बोल ही नहीं पाती। और फिर जाओ सीओ से नजर चुरा रही थी, पर सीओ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और सोचता है, क्या ये मुझे सच में लाइक करती है? पर जाओ सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या ये मुझसे चूचू वाली किस वापस लेगा, और जल्दी से खाकर उठकर जाने लगती है। पर वो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें मेरे पैसे पसंद है ना, तो ये लो अपनी सैलरी, उठाओ और जाओ। वो सोचती है, अब मैं क्या करूं, और फिर पैसे वापस कर रोते हुए नीचे बैठ जाती है और कहती है, प्लीज बॉस मुझे घर से मत निकालिए। वो कहता है, ठीक है रो मत, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि रियल में तो जाओ खड़ी सोच रही थी, बस दो बूंद आंसू बहाने हैं, जाओ तू कर सकती है। पर उससे झुका ही नहीं जाता तो कहती है, मेरी फीलिंग्स को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, तो मैं जा रही हूँ, और जाने लगती है। वो कहता है, तुम कल से कंपनी में आ सकती हो, पर तुम्हारा मेरे घर पे रहना ठीक नहीं है। वो कहती है, तो तुम मुझे जॉब वापस कर रहे हो? वो कहता है, पर मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हें चूचू से दूर रहना है। पर जाओ का तो पैसों को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, वो मुड़ मुड़ कर देख रही थी, तो वो कहता है, अगर कोई अपनी सैलरी ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, तो वो एकदम से सैलरी उठाकर भाग लेती है। सीओ कहता है, ये मुझे लाइक करती है या पैसों को? जाने से पहले जाओ कहती है, उस खड़ूस ने मुझे घर को साफ रखने को कहा है ना, मैं इस घर को कचरा बनाकर जाऊंगी। पर तभी लाइट्स ऑफ होते ही सीओ के पास भागती हुई कहती है, डरना मत, मैं स्टोरी सुनाने आ रही हूँ। पर सीओ ने तो ऑलरेडी चूचू का दिया लैंप जगा रखा था, तो वो ये देख चली जाती है और सीओ भी उसे नहीं रोक पाता। जाओ लाइट्स ऑन कर देती है, पर खाते खाते वो रो रही थी। जाओ के जाने के बाद सीओ भी सैड था। नेक्स्ट डे भी सीओ का मूड खराब था। कंपनी में जाओ के वापस आने पे उसके फ्रेंड्स खुश होते हैं। फिर जाओ को लगता है कि सीओ उसकी तरफ आ रहा है, पर सीओ तो जाओ की तरफ बिना देखे चूचू की पेपर्स उठाने में हेल्प करता है। वो सैड होती है और फिर देखती है कि हीरो हीरोइन के अराउंड एक सर्किल है, पर किंगफिंग जाओ की तरफ देख रहा था। जाओ कहती है, मेरे अराउंड वो सर्किल क्यों नहीं है? और फिर सोचती है, अगर मैं चूचू को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बना दूं, तो सीओ को इसे बार बार बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसे अकेले रूम में ले जाती है। सीसीटीवी में ये देख ऑरेन गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि जाओ चूचू के साथ कुछ करने वाली है। इनफैक्ट चूचू सबके साथ लंच हिस्से नहीं करती थी क्योंकि उसका लंच काफी सिंपल होता था। तो जाओ उसे कहती है, तुम्हें लंच के लिए मना नहीं करना, बल्कि कहना है मैं वेट लॉस करने के लिए खाना खाती हूँ, तो वो सब कहेंगे अच्छा तो हमें भी ऐसे ही खाना ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से वो उसे सारे तरीके बताती है जिससे चूचू को कोई बुली न कर सके। सीओ और किंगफिंग भी दोनों ये सब सुन रहे थे। जब लिन अपना काम चूचू को करने को देती है, तो जाओ के कहने पर चूचू अपना डबल काम लिन को करने को देती है, तो लिन कहती है रहने दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। और फिर जाओ हर काम में उसकी हेल्प करती है। जब सूसन और लिन चूचू पर पानी डालने वाली थी, तो वो चूचू को बचा लेती है, और फिर सूसन और लिन को भी चूचू के साथ अच्छा बिहेव करने को कहती है। सीओ सीसीटीवी से ये सब देख रहा था तो स्माइल करता है। किंगफिंग उसे कहता है, मुझे भी इन फोटोज की कॉपी चाहिए। सीओ कहता है, इसका क्या मतलब है? चूचू अब अपने कलीग से घुलने मिलने लगी थी, वो भी सिर्फ जाओ की वजह से। पर सीओ उससे पूछता है, क्या तू जाओ की फोटो अपने पास रखना चाहता है? पर किंगफिंग बिना जवाब दिए ही चला जाता है। चूचू जाओ का थैंक यू करती है क्योंकि उसने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, और कहती है, मुझ में हिम्मत आ गई, तो अब मैं सीओ को साथ में एम्यूजमेंट पार्क में चलने के लिए पूछने वाली हूँ। जाओ कहती है, अब तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी लड़के पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। चूचू कहती है, तभी तो अब पहला कदम मैं उठाऊंगी, और उसका थैंक यू कर चली जाती है। जाओ सोचती है, मैंने अपने लिए ही गड्ढा खोद दिया। नेक्स्ट डे चूचू सीओ को एम्यूजमेंट पार्क के लिए पूछती है और सीओ भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर जाओ सैड होती है और फिर कहती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर कुछ चेंज ही नहीं कर पा रही हूं, वो एम्यूजमेंट पार्क जाए या रूम शेयर करें, अब ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर है। किंगफिंग उसे कंफर्ट करने आया था, पर वो उसे जाने को कहती है, पर उसके जाने के बाद रोते हुए कहती है, लिन मुझे तेरी याद आ रही है, मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाना है,
क्या मैं अगर इस बिल्डिंग से कूदकर मर गई तो रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगी? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मुझे टेस्ट करना होगा। और फिर कूदने के लिए भागती है और इसके साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिंड कमेंट के लिंक पर क्लिक करिए और लीजिए फैंटेसी वर्ल्ड के मजे, और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।